अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम इनसाइट में भलीकार आऊं आया मां सागर नाजी अमीर। नाज़रीन, हुकूमती जोड़ जखे के हवाले से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी या मुस्लिम लीग नून विच में जो मामला वो हाँ फाइनल मरहले में दाखिल थी चुका है। बे पासे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वजारत उज़्मा लाए पेंजो उम्मीदवार जो नाले जो ऐलान कंदे या गाल कही है तो असं न पावर शेयरिंग वाली सियासत में वेंदासीं नई के असं डायलॉग थींदो गाल कही है तो जेस ताईं असां के पेंजो मैंडेट वापस नथो मिले तेस ताईं असां मजबूत ऑपोजिशन जो किरदार अदा कंदासीं। उन खां अग ॿियूं जेके पार्टीज़ आहिनि जंहिंमें JUI आहे, जमायत इस्लामी आहे, उन खां सवाइ नाज़रीन ANP आहे, GDA आहे, उन समय जेके ॿियूं पार्टियूं जेके चूंडनि जे हवाले सां पंहिंजे ख़दशनि जो इज़हार करे चुकियूं आहिनि उहे कुझु पार्टियूं रस्तनि ते अची चुकियूं आहिनि, कुझु पार्टियूं रस्तनि ते अचण जो ऐलान करे चुकियूं आहिनि। बहरहाल इलेक्शन कमीशन पारां सभिनी पार्टियुनि खे इहो पैगाम ॾिनो वियो आहे त मैकेनिज़म मौजूदु आहे ऐं जेकॾहिं अव्हां वटि सबूत आहिनि मीडिया जी रिपोर्ट्स ते या जेके असांखे तव्हां क्लिप्स था ॾेखारियो उन ते असीं न वेंदासीं। जेकॾहिं कंहिं वटि सबूत के पका आहिनि त पोइ ज़रूरु असां सां शेयर कयो। उन खां सवाइ नाज़रीन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इहा ॻाल्हि करे पई त असां हीअ जेके एहतजाज थियनि पिया ही उहे माण्हू कनि पिया जिनखे या त पंहिंजा मनपसंद नतीजा न मिलिया आहिनि या वरी कुझु उहे माण्हू आहिनि जेके अॻु लाडला हुआ ऐं हाणे उन्हनि खां उहो स्टेटस खसिजी वियो आहे जंहिंजे करे हीअ एहतजाज आहे। असां सां बि ज़्यादतियूं थियूं आहिनि पर असीं उन्हनि ज़्यादतियुनि बावजूदि सिस्टम खे चैलेंज न कंदासीं। नाज़रीन थियणु छा पियो वञे ऐं जेका समूरी सूरत हाल आहे उनखे साम्हूं रखंदे ज़ाहिर आइनी टाइम फ्रेम बि हुजे थो शयुनि जो त कहिड़े रीति मामला अॻियां वधणा आहिनि। असां ॾिठोसीं त इलेक्शन में बि कुझु ॾींहं लॻी विया नतीजा अचण में ऐं उन खां पोइ हाणे जेको हीउ सिलसिलो आहे इहो बि ड्रिघो थींदो नज़र अचे पियो त मामला कहिड़े रुख न अॻियां वधंदा उन ते वधीक फोकस कंदासीं। असांखे जॉइन कयो आहे हिन पैनल में असलम गौरी साहिबनि JUI जा मर्कज़ी तर्जुमान आहिनि, उन खां सवाइ नाज़रीन प्रोफेसर एजाज़ कुरैशी साहिबु आहिनि, नाले वारा मौशी माहिर आहिनि, दानिश्वर आहिनि, तजय निगार आहिनि ऐं कंवर दिलशाद साहब बि मूंसां गॾु मौजूदु आहिनि, अॻोणा सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन आहिनि ऐं पंजाब जी जेका निगरा कैबिनेट आहे उनजो हिसो बि रहिया आहिनि। ऐं उन खां सवाइ नाज़रीन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जा सीनियर अॻवान आहिनि नवाब यूसुफ टालपुर साहबु, उहे पिणु कुझु देरि में मूंखे प्रोग्राम में जॉइन कंदा। अवां सभिनी जी महिरबानी, मां प्रोग्राम जे लाइ वक़्तु कढियो, अवां सभिनी खे भलीकार ऐं ॿियनि जी इजाज़त सां कौन साहब आपसे आगाज़ करती हूं गुफ़्तगू का। जो सारी सूरत हाल है मैंने इंट्रो में कुछ जिक्र किया लेकिन आपके सामने रखूंगी कि पहले ही नतीजे में कुछ दिन लग गए और अब जो सिलसिला शुरू हुआ है एक तरफ तो सारे मुल्क में एहतजाज हम देख रहे हैं चारों सूबों में और दूसरी तरफ हम देख रहे हैं कि हुकूमत साजी के जो मामलात हैं वो अब नज़र आ रहा है कि उसके खदो खाल कुछ वाजे होना शुरू हो गए हैं। आप कैसे देखते हैं और जो आइनी एक मुद्दत है इन सारे मामलात को लेकर आप समझ रहे हैं कि उस हिसाब से उसी स्पीड से ये मामलात आगे बढ़ रहे हैं या आपको लगता है कि इन मामलात को मजीद स्पीड अप करने की जरूरत है? देखिए पहली बात तो ये कि इस वक्त तक मैंडेट हासिल किसको हुआ है, सादा अक्सरियत किसके पास है जो वो हुकूमत साजी करने जा रहे हैं? जी ठीक, तो ये एक बैसाखियों पर खड़ी हुई हुकूमत होगी और जिसके पास मैंडेट नहीं होगा ना वो कानून साजी कर सकेगी ना वो इस वक्त जो मुल्क मुआशी सूरत हाल से दो चार है उसके बारे में कोई अहम फैसले कर सकेगी। और जो जो इत्तेहादी बनने जा रहे हैं वो कोई कहता है मैं वजारत नहीं लूंगा, कोई कहता है मैं हुकूमत के फला फला ओहदे लूंगा, बंदर बांट हो रही है, किसी को सदारत की फिक्र है, किसी को गवर्नरशिप की फिक्र है, किसी को मुल्क की फिक्र नहीं है, किसी को मुल्क की मईशत की फिक्र नहीं है, किसको जमहूरियत अदारों से जो लोगों की आवाम की जो जमहूरियत से जो अदम एतमाद की फिक्र नहीं है, हर किसी को अपना अपना हिस्सा लेने की फिक्र है। ऐसी हुकूमत कितने दिन चलेगी? मैं नहीं समझता हूँ कि ऐसी लूली लगड़ी हुकूमत की इस मुल्क को जरूरत है, इस मुल्क को मजबूत हुकूमत की जरूरत है जो मुल्क के मुआशी फैसले कर सके, मुल्क को इस बहरान से निकाल सके। कोई एक पार्टी मुल्क को इस बहरान से नहीं निकाल सकती। ये जो मुनकसम मैंडेट मिला है हम समझते हैं इस मैंडेट के तहत कोई भी पार्टी इस मुल्क को इन बहरानों से निकालने के काबिल नहीं है। ठीक गौरी साहब, मैंने सवाल कंवर साहब के आगे रखा था, शायद उनसे हमारा रابطہ अभी तक नहीं हो पाया क्योंकि वो आईनी एक टाइम फ्रेम और आपने बिल्कुल दुरुस्त जिक्र किया कि इस वक्त कोलिशन भी नहीं बल्कि हमें माइनॉरिटी गवर्नमेंट की तरफ मामलात बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। लेकिन आपने जिन हालात का जिक्र किया आपको ज़रूर याद होगा, आपसे इन्हीं प्रोग्राम पर इन्हीं प्रोग्राम्स पर आपसे कई बार बात भी हुई कि इस आज से तकरीबन जब हम देखते हैं कि तकरीबन दो साल पहले ये जो 16 माह की गवर्नमेंट चली और ये दो साल पहले हमें सारे मामला देखे तो उस वक्त भी यही हालात थे और यही जिक्र किया गया कि मुल्क के वसीतर मफाद को सामने रखते हुए हम सब पार्टियां एक साथ बैठ रहे हैं। तो आज आज क्या फ़र्क है? आज आप जो जो सिचुएशन है बाकी पार्टियां ये कह रही हैं कि हम तो मुल्क के हालात को सामने रखते हुए ये मामला को इस तरह से डील कर रहे हैं, लेकिन वो जो PDM के सरबराह थे मौलाना साहब आज वो PDM 2 के अगेंस्ट खड़े हो गए हैं।
जी देखिए, पहले बात ये समझ जरा जहन में रखिए कि उस वक्त की सूरत हाल ये थी कि हमने 15-16 माह के लिए इस मुल्क को बहरान से निकालने के लिए इकट्ठे हुए थे। किसी ने जिद नहीं की थी कि मुझे सदर पाकिस्तान चाहिए, किसी ने ये नहीं कहा था कि मुझे स्पीकर चाहिए, किसी ने ये नहीं कहा था कि 2 साल का वजीर आजम कौन होगा और 3 साल का वजीर आजम कौन होगा। यहाँ तो बंदर बांट लगी हुई है, इस बंदर बांट की हुकूमत बनने जा रही है, वो 16 माह की हुकूमत का इससे मुआवजना ना करे। और उस वक्त पार्टियां संजीदा थी मुल्क बचाने के लिए, इस वक्त तो पार्टियां मुफाद उठाने के लिए संजीदा है। कोई वजीर आजम बनना चाहता है, कोई 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 कहता है कि मुझे 3 सूबों की गवर्नर दे दो, कोई कहता है मुझे चेयरमैन सेनेट दे दो। तो ये अजीब सूरत हाल है, ये हुकूमत कितने दिन चलेगी? इस तरह की बंदरबांट वाली हुकूमत तो नहीं चल सकती। किसी के मुतालबात पूरे होंगे, किसी के नहीं होंगे। एमक्यूएम के अपने मुतालबात हैं, वो बल्दियात के हवाले से जो आईनी शिक लाना चाहती है। पहली बात तो इस हुकूमत के पास क्या वो 2/3 अक्सरियत होगी कि आईन में अमेंडमेंट कर सके? अगर वो उस आईनी शिक को नहीं मनवा सकते, क्या वो इस हुकूमत का हिस्सा होंगे? क्या जब वो आईनी शिक अब आएगी अपना कौमी असम्बली और सेनेट में, क्या पीपल्स पार्टी उसकी हमायत करेगी? ये बहुत से ऐसे सवाल हैं जो बता रहे हैं कि आइंदा आने वाली हुकूमत जो है नहीं चल सकेगी। और 1 साल 6 महीने तक ये तजर्बा तो आप करेंगे जो मुल्क के लिए इंतहाई नुकसानदेह तजर्बा होगा। मैं समझता हूँ ये एक मुनकसम मैंडेट है और इस मैंडेट के साथ कोई भी पार्टी हुकूमत नहीं कर सकती। दूसरी बात यह कि इंतखाबात के ऊपर सवालात उठ गए हैं। पाकिस्तान की 2-3 पार्टियों के अलावा तमाम पार्टियां इस वक्त शोर मचा रही हैं कि ये इंतखाबात साफ और शफाफ नहीं थे। मैं खुद PS 97 कराची से इलेक्शन लड़ रहा था MPA का, मुझे आज तक फॉर्म 45 नहीं मिले हैं। मैं जब भी मैंने कोशिश की अपने आर ओ से रब्ता करने की, मुझे आर ओ तक रसाई नहीं मिली है। मेरे ही इसी कराची शहर में PS 118 से मेरा कैंडिडेट मुफ्ती मोहम्मद खालिद जब अपना वोट कास्ट करने लिए जाता है तो उसका वोट पहले से कास्ट हो चुका होता है। तो क्या और क्या शवाहद चाहिए कि इंतखाबात जाली है या असली है? ठीक, तो फिर हल क्या, JUI हल क्या समझती है? और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जरूर आपने मौकफ सुना होगा, वो ये कहते हैं कि मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी से तो कोई बात नहीं होगी, बाकी जो दूसरी पार्टियां इस एहतजाज के प्रोसेस में नजर आ रही हैं उनसे वो बात करेंगे। तो कोई रब्ता हुआ है? देखे हमने 3.5 साल साफ और शफाफ इंतखाबात के लिए तहरीक चलाई थी, ना हमने कोलिशन गवर्नमेंट के लिए तहरीक चलाई थी, ना किसी को वजीर आजम बनाने के लिए तहरीक चलाई थी, ना किसी को दुबई से वापस लाने के लिए तहरीक चलाई थी, ना किसी को लंदन से वापस लाने के लिए तहरीक चलाई थी। हमने साफ और शफाफ इंतखाबात के लिए तहरीक चलाई थी। लेकिन मुझे आज अफसोस से कहना पड़ता है कि हम 2018 के इंतखाबात के लिए 3.5 साल पर रोडों पर रहे, लेकिन आज 2024 के इंतखाबात 2018 के रिजल्ट से भी बदतर इंतखाबात हैं, उससे भी ज्यादा धांधली हुई है। और खुलेआम फॉर्म 45 और 47 में टेम्परिंग की गई है। ऐसे ऐसी जगह भी है, मेरे पास ऐसा रिपोर्ट भी है जहां पर 80% 70% वोट डाले गए हैं। तो वोट कहां से आ गया है जब वोट लोग निकले ही नहीं है घरों से बाहर? आप बलूचिस्तान में देखें, बलूचिस्तान में इस वक्त तक मेरे 10 हलकों के सूबाई असम्बली के और 2 कौमी के रिजल्ट रोके गए हैं, अभी तक वो हमें नहीं दिया जा रहे। ये क्या बंदर बांट हो रही है, कौन कर रहा है ये सब कुछ? ये इलेक्शन कमीशन क्यों सो रहा है? मैं हैरान हूँ कि ये किस तरह का, हम तो एक बहुत बड़ा फैसला लेने जा रहे हैं कि हमने थक गए हैं हम इन इंतखाबात को साफ और शफाफ बनाने के लिए, और हम सोच रहे हैं कि हम इस इंतखाबी सिस्टम से अपने जमात को अलहदा कर लें, क्योंकि हम पाकिस्तान की जड़ों को खोखली नहीं कर सकते। ठीक, तो हमें एक तरफ तो उन लोगों का सामना करना पड़ा। ये भी बता दें कि कितनी दरख्वास्तें आप लेकर गए, ये जो सारी आपने जिक्र किया कि मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में जो ज्यादतियाँ जो नाइंसाफियाँ जिनका जिक्र आपने किया उसके उनके अगेंस्ट कितनी दरख्वास्तें आप लेकर गए? और ये भी मुझे जरूर बताइएगा कि अभी जो अब जो आगे के मामलात होंगे, मुस्लिम लीग नून के कायद को आप लोगों की तरफ से पेशकश हुई है, उनका कोई रिस्पांस आपको मिला है? और जो PTI वालों का मामला, वो कह रहे हैं कि एहतजाज करने वालों के साथ वो बातें करेंगे, तो कोई रब्ता उस जमीन में हुआ है PTI का आपके साथ या JUI का PTI के साथ? देखिए, PTI वालों ने आज रब्ता किया था, अभी 2-4 मिनट के बाद PTI का वफद हमारे पास गौहर साहब की क्यादत में पहुंचने वाला है, मौलाना साहब की रिहाइश गाह इस्लामाबाद पे। हम देखेंगे, सुनेंगे उनको, वो तशरीफ ला रहे हैं, खुद उन्होंने टाइम मांगा था, हम पूछेंगे उनसे, सुनेंगे वो क्या कहना चाहते हैं, हम उसके बाद ही कोई रद्दअमल दे सकेंगे। और जहां तक कि मुस्लिम लीग का मसला है, मुस्लिम लीग को हमने कह दिया है कि आपके पास मैंडेट नहीं है, आप आ जाएं हमारे साथ अपोजिशन में बैठ के काम करें, जिसके पास मैंडेट बनता है उसको हुकूमत करने दें, आपके पास मैंडेट नहीं है, क्यों अपने आप को खराब कर रहे हैं? ठीक ठीक, वो तो वजारत उज़्मा का उम्मीदवार बता चुके हैं, हुकूमत साजी के हवाले से उनके तो मामला चल रहे हैं। ठीक, आपने कहा कि रद्दअमल उसके बाद देंगे। एक आखिरी सवाल ये भी मुझे बता दें, आपके आपने मीटिंग का भी जिक्र किया है कि
अब ये जो सारे मामलात हैं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ये कह रही है कि मनपसंद नतायज नहीं मिलने पर ये मामलात एहतजाज हो गए या धमकियां, ये सारे मामलात सिर्फ इसीलिए हैं कि मनपसंद नतायज नहीं मिले। और इस वक्त NA 191 पे मेरे कैंडिडेट पीपल्स पार्टी से जीता हुआ था, 7000 वोट मेरे रिजेक्ट करके और पीपल्स पार्टी का कैंडिडेट जितवाया गया है। पूरी की असेंबली, पूरा सिंध दे दिया गया है। कराची में जो कुछ हुआ मैंने आपको बता दिया है। हम किसके पास रोना रोए, दुख किसके पास रोए, अपना किसके पास जाए, हमें बताओ किस सर? हम चीफ जस्टिस, कल हम इलेक्शन कमीशन के पास हम पिटिशन लेके, उन्होंने फौरन रिजेक्ट कर दी है। हम किसके पास जाए, कहां पहुंचे, हम किसको अपना दुख सुनाए? हम अवाम की अदालत में जाएंगे और हम फैसले कर रहे हैं, इंशाल्लाह हम अवाम की अदालत में जाएंगे। हमने अपनी तहरीक का आगाज कर दिया है, हमने तमाम सूबाई जमातों का एतमाद में लेने के लिए मौला फजरमान साहब का दौरा 22 तारीख से इस्लामाबाद से हम शुरू कर रहे हैं। कोयटा भी जाएंगे, कराची भी आएंगे, लाहौर भी जाएंगे, केपी के भी जाएंगे, अपनी जमात को हर सतह पर एतमाद में लेंगे, फिर हम फैसला करेंगे इंशाल्लाह। हम इस जा तो हम ये सियासी सिस्टम से निकल जाएंगे, हम ये इस सिस्टम का हिस्सा नहीं बनेंगे, क्योंकि हम एक तरफ तो उनसे लड़ रहे हैं जो हमें क्या जमहूरियत के दुश्मन है और हमें कहते हैं कि तुम जमहूरियत चूंकि कुफर है तुम उसका हिस्सा हो, एक तो हम उनसे लड़ रहे हैं, दूसरी तरफ ये हमें मार रहे हैं जो जमहूरियत के नाम पे हमें मार रहे हैं, तो हम कब तक इस ये मार खाएंगे? दो तरफा मार से हम ऐसे फैसले करने जा रहे हैं कि शायद जमीयत उलमाए इस्लाम वाहद पाकिस्तान की पहली पार्ट होगी जो इस सिस्टम पे अदम एतमाद करते हुए अपना इस सिस्टम से बाहर आउट होगी, और हम ये इंतखाबी सिस्टम से आइंदा के लिए अलहदा होने जा रहे हैं। आइंदा के लिए अलहदा होने जा रहे हैं इंतखाबी सिस्टम से। कंवर साहब आप मेरे साथ मौजूद हैं लाइन पर, आपको मेरी आवाज आ रही है? जी कंवर दिलशाह साहब, मेरी आवाज अब तक पहुंच रही है? नाजिन राबतो करने की कोशिश क्यों पे कंवर दिलशाह साहब सा तो जी उन्होंने खां वधीक असी समूरन मामलन जे हवाले सा जाहिर है कुछ टाइम भी हुए थो, आईनी मुदत भी हुए थी, उन हवाले सा भी जरूर उन सा गलाइंदासी। प्रोफेसर एजाज कुरैशी साहब मुसा गर मौजूद हैं। एजाज साहब अस्सलाम वालेकुम, मुझे आवाज वादी पहुंचे पियो? एजाज साहब मुके बुदो पे आमा, मुझे आवाज वादी पहुंचे पियो? नाजिन राबतो करने की कोशिश क्यों पे एजाज साहब से लाइन ते हैं पर उन तई मुझे आवाज न पे पहुंचे। एजाज साहब जेकने आमा मुके बुदो पे मुझे आवाज वादी पहुंचे तो पेनो काइंडली माइक अनम्यूट कजो जी असी अवां तई पेनो आवाज भी पहुंचाए सकूं आए अवां के बुद्धि भी सकूं। जी एजाज साहब मुझे आवाज अवां ती पहुंचे पियो? नाजिन कोशिश क्यों पे एजाज साहब ते सजो आवाज जी पहुंचे त असी वधी कर उन सा गुफ्तगू करे सकूं। मुसा गद मौजूद हुआ JUI जे मरकज तर्जुमान हुआ असलम गौरी साहब जो बुधो गाल कन पे जेका चूंडन वाली सियासत है, जेका पार्लियामेंट की सियासत है, गुजरल ढी भी जैसे मौलाना साहब गाल कई ही तो उन्होंने भी इशारो दिनों तो असं पेंो रद्दमल दींदी वो रद्दमल अस इन सूरत में भी दई सकूँ था तो असं पार्लियामेंट सियासत का पासीरा थी वनों छाकाण तो इन वक्त जो सूरत हाल है कें लिहाज का न मुल्क ला बेहतर आ न जमहूरियत ला बेहतर है। बाकी जी बी पार्टियां जैमें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी आ मुस्लिम लीग नून आ उन पारा हुकुम ठाण वो जो प्रोसेस है उनते नाजरीन मामला जारी है उनखा सवाए जेके बियूं पार्टियां उहे पेंजे पेंजे जेको उनजी हिकमत अमली आ उनजो इज़हार करे चुकियूं आहिन। कुछ पार्टियां एहतजाज जे हवाले सां बुधायन पियूं त असीं रस्तन ते वेंदासीं जंहिंमें GDA आहे जंहिंजो जेको एहतजाज आहे उनजो आगाज़ सुभाणे का थिए पियो। उनखा सवाए जमायत इस्लामी आहे, अवामी नेशनल पार्टी आहे, JUI जो मौक़िफ़ आहे ॿुधो जेके पिण एहतजाज जो ज़िक्र कनि पिया आहे। उनखा सवाए जेके बियूं पार्टियूं आहिनि जमायत इस्लामी आहे उहे पिण एहतजाज जूं ॻाल्हियूं कन पयूं त मुल्क में हर पासे ही एहतजाज वो मामलो नजर अचे पो। अज एक बी डेवलपमेंट भी थी है नाजिन असोसी परडेही ऑफिस में एक पधराई जारी थी है जैमें यो वाजे पो है जे मुल्क जहाँ शहरी हैं चूंडन के प्रोसेस के हवाले से हू पी राय जो खुले नमूने इजहार कर सकनता। बाकी असं बे कें का डिक्टेशन न वासी असो घरू मामलो है जैसे असं घर अंदर मुल्क अंदर ही डील कर चाहूँ था। एजाज साहब मुझे आवाज़ वहाँ पहुंचे पो? नाजिर एजाज साहब से राबतो मुनक थोड़ा है मुख्तसर ब्रेक था वूँ ब्रेक का वापस अचूँ था गुफ्तगु के तक कंटिन्यू कदे। वेलकम बैक नाजिन फिर बीहर अवे प्रोग्राम में भलीकार गुफ्तगु अस हलंदड़ है पोस्ट सिनेरियो जो इलेक्शन का पोस्ट इलेक्शन सिनेरियो है जे डेवलपमेंट्स उनते गुफ्तगु जारी है। इन वक्त नाजिन प्रोफेसर एजाज कुरैशी साहब नाले वाला मौशी माहिर तजर निगार मुसागर मौजूद हैं। एजाज साहब अस्सलाम वालेकुम।
वालेकुम सलाम एजे साहब भली कार ताके गुफ्तगू में आए जेका समूरी सूरत हाल आहे असी पोस्ट इलेक्शन सिनेरियो ते असानी गुफ्तगू हले पई बैक टू बैक जेके डेवलपमेंट्स थन पयूं अवां के नजर अचे पियो बजाय जेके समूरी पार्टी वनी ये गाल कन पयूं त असी एकड़े पेज ते अचण जी कोशिश पया कयूं असी खोड़ पंहिंजी पाण सां जेके ज्यादतियूं थियूं आहिनि जेके वॾियूं पार्टियूं आहिनि जेके वॾियूं स्टेक होल्डर्स पार्टियूं नज़र अचनि पयूं उन्हनि जी इहा दावा आहे त असीं पाण सां थियल ज़्यादतियुनि खे बि विसारे हिन वक़्तु असांजे लाइ सिर्फ़ु मुल्क जो मफ़ाद मथां आहे उनखे असीं आॾो रखंदे समूरनि मामलनि खे अॻियां वधायूं पिया ॿियूं पार्टियूं आहिनि जेके एहतजाज कनि पियूं रस्तनि ते आहिनि ऐं उन्हनि जो वरी मौक़िफ़ु इहो आहे त जहिड़े क़िस्म जो ही हुकूमत ठाहिणु वञनि पिया इन सां मुल्क जो वधीक नुक़सानु थींदो अव्हांखे छा सूरत हाल डेवलप थींदे नज़र अचे पई ऐं मईशत जे कॉन्टेक्स्ट में बि ज़रूरु ॿुधाइजो छाकाणि त इहा बार बार दावा पिए थी त इलेक्शन ऐं इलेक्शन खां पोइ हिकिड़ी जेका मैंडेट वठी ईंदड़ इलेक्टेड हुकूमत हूंदी उहा मईशत लाइ तमामु घणी अहम हूंदी तमामु घणी जेका फेवरेबल हूंदी जी महिरबानी हक़ीक़त में मईशत जेका सा पहिरीं अहम शइ आहे हिकिड़ी मुंहिंजे ख़्याल में जेकॾहिं कुझु पार्टियूं चवनि थियूं त उहो जेकॾहिं आहे मईशत जे हवाले सां हिननि खे वॾो कमु करिणो पवंदो छाकाणि त IMF जो जेको मथां ॿार आहे उहो त अञा आहे उहो हलंदो उन खां सवाइ त ही कोन हली सघंदा बाक़ी जेके पार्टियूं चवनि थियूं त मुल्क लाइ बहितरु आहे त असां गॾिजी ॻाल्हि चङी था कनि पर ईअं न थिएजो वरी अॻियां हली पाण में झेड़ो कनि या विढ़नि ऐं कुझु पार्टियूं चवनि थियूं त असांखे मैंडेट आहे जीअं PTI अञा उहो ज़ाहिर कोन थी थिए जॾहिं ज़ाहिर करे बाक़ी ही जेके ॿियूं पार्टियूं आहिनि उहे पंहिंजो जेको आहे सो उन्हनि खे मिली मां अञा मुंहिंजो ख़्यालु आहे त ही जेको फाइनेंशियल एक्सपर्ट्स आहिनि मुल्क जा चङा चङा माण्हू उन्हनि खे ई जेकॾहिं गॾु विहारीनि ऐं उन्हनि जा राया वठनि ऐं के पॉलिसियूं चयो त असां वटि चङा माण्हू आहिनि हिन मुल्क में त उहे जेके बाक़ाइदगीअ सां वेही जेसिताईं मुआशियात खे न संभालबो त समाज सुधरंदो कोन न को वरी को उन में को सियासी ॻाल्हि ॿोल चङी थींदी सियासी अमल लाइ बि मुआशियात मुंहिंजो ख़्यालु आहे तमामु ज़रूरी थींदो ऐं बाक़ी जेके पार्टियूं आहिनि असां नथा कनि उहे वरी चवनि था त इहो नुक़सानु थींदो हाणे ख़बर न आहे त मुल्क जी क़िस्मत में छा लिखियलु आहे कीअं थींदो कारण आहे तमामु ॾुखियो मामिलो मुझाईंदड़ बि आहे पर जेकॾहिं के पार्टियूं गॾिजी पाण में वेहनि थियूं ऐं चङ भलाई जो कमु कनि थियूं त पोइ बहितरु आहे मुंहिंजी गुज़ारिश इहा आहे ठीकु पर अजा साहिबु हाणे त अञा पार्टियूं पाण में कुझु पार्टियूं वेठियूं आहिनि जेके वॾियूं पार्टियूं स्टेक होल्डर नज़र अचनि पियूं बाक़ी कुझु पार्टियूं रस्तनि ते आहिनि जीअं मां ज़िक्र कयो त हिन वक़्तु जेका प्रायोरिटी ते टॉप प्रायोरिटी ते जेको मामिलो हुजणु घुरिजे एजेंडा ते उहो मईशत जो हुजणु घुरिजे पर असीं सभिनि खे इहा सुध आहे त मईशत जो जेको इस्तेहकाम जंहिंजो असां ज़िक्र कयूं था उनजो सिधो सओं जेको लिंक आहे उहो पॉलिटिकल स्टेबिलिटी सां हुजे थो तव्हांखे नज़र अचे पई ईंदड़ ॾींहंनि में पॉलिटिकल स्टेबिलिटी मुल्क में ईंदे हाणे ॻाल्हि इहा थोरी सम्झ में नथी अचे कॾहिं वॾियूं पार्टियूं उहे चाहिनि थियूं गॾिजी वेहनि त मां सम्झो चङी ॻाल्हि थींदी हिकिड़े ख़्याल खां ॼाण मुल्क हींअर अथनि तमामु जेको आहे सो नाज़ुक सूरताल में आहे ऐं उन लाइ गॾु वेहणु जेसिताईं नथी थिए त असां जेको पढ़ियो आहे तव्हां मूं जेके इकनॉमिक्स ते किताब पढ़िया आहिनि सियासत ते त जेका प्रायोरिटी हूंदी आहे पॉलिटिक्स जी उहा हूंदी आहे डेवलपमेंट जेसिताईं डेवलपमेंट न थींदी तालीम तबाह थियल आहे इस्पतालुनि जो हाल ख़राबु आहे ॿार पढ़नि कोन था ऐं गुरबत केॾी आहे GNP सफ़ा वधे कोन थी GDP कोन थी वधे इहे सभु ॻाल्हियूं जेके असांखे सोचे सम्झी इहो करणी पवंदियूं ऐं बिल्कुलु तव्हांजी ॻाल्हि सही आहे जे स्टेबिलिटी न आहे मैक्रो इकनॉमिक स्टेबिलिटी जे लाइ ज़रूरी आहे त सियासी स्टेबिलिटी अचे तॾहिं वञी इकनॉमिक्स ते को फ़ाइदो पवंदो पर अदरवाइज़ का ॻाल्हि कोन्हे त असां त उमेद कयूं था ऐं दुआ कयूं था जे गॾिजी वेहनि चङणि हींअर मुल्क वाक़ई चवंदो आहे सभिनि माण्हुनि जो स्टेक आहे सिंध जो बि आहे पंजाब जो बि आहे बलूचिस्तान जो तमामु वॾो आहे अहिड़े नमूने फ्रंटियर जो इन्हनि स्टेक्स खे ख़तमु करण लाइ इहो मैक्रो पॉलिटिकल स्टेबिलिटी तमामु ज़रूरी आहे साॻे वक़्तु मैक्रो इकनॉमिक रिफॉर्म्स मैक्रो इकनॉमिक स्टेबिलिटी या उनजो एनहांस्ड ग्रोथ उहो तमामु ज़रूरी आहे अच्छा एजाज साहब इहो बि ज़रूरु ॿुधाइजो त फौरी तौर ते अव्हां जो ज़िक्र कयो त सभिनी जो वेहणु अणटर आहे हिन सिचुएशन में ऐं मईशत जी बहितरीअ जे लाइ बि अणटर आहे सभु गॾु वेहनि कुझु पार्टियूं जंहिंमें मुस्लिम लीग नून आहे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी आहे MQM असांखे नज़र अचे पई
मर्कज अंदर तो उ पार्टी पान में वेहन प्यूँ जरूर मईश के हवा से भी बुधान प्यूँ तो उनका प्लैन्स भी पर असो गडियल तौर से फ्रेमवर्क जोड़ी फौरी तौर से चैलेंजेस कड़ा दिसो पाया माशी फ्रंट से जो भी हुकूमत ठे पी तो IMF से डील कर्ज जो है वो तमाम घो चढ़ियल मुल्क इन कर्ज के जो है उन्होंने खत्म करो पव कें तरीके से IMF से गालू करें मुल्क की सेविंग्स मुल्क की बचत थी मुल्क जो पैसो आतेमाल नाजायज न कजे वो जायज करें उन मुल्क जहा पैसा जैसे बचाबा तो वो मुल्क हली सको पर जैसे मिसाल अस हुकूमत में वेही असा MNA MPs या ऑफिसर रुगो पैसे कमाने के पुठा लगा पाया हूं तो वो तो नुकसान हाँ इंडस्ट्री जो है मुल्क की या एग्रीकल्चर आए प्रॉफिटेबल होजन उन असो फायद मिलो फायद मिल पर जैसे पॉलिटिक्स की फायद हासिल करें तो नुकसान ही नुकसान इन कर इन शो पव इंडस्ट्री किथे तो हल एक्सपोर्ट्स की करनी पवी जेस तीन असूँ बरामदाद एक्सपोर्ट्स अच्छू अस दरामद माना जो इम्पोर्ट घटाणी पवी इो जेस तीन बैलेंस ऑफ पेमेंट जो इकोनॉमिक्स में मेन गाल नी तो उन्हें जो है तमाम नुकसान थी सके तो इन करो जरूरी है तो बैलेंस ऑफ पेमेंट के GDP GNP IMF जो कर्ज घटाण जो है सो तमाम जो गुर्बत ऐसो या एग्रीकल्चर से ध्यान दियणो है एग्रीकल्चर असो तमाम वो सेक्टर है जै जहाँ उम्मीद दिए थी सजे मुल्क में हिंसर भी समझो तो कणक जो फसल थन चंगा फुटी भी सुठी लथी पर ही असो होल्डिंग है अस जखीरे अंदोजी है या असो है सो बॉर्डर टपाए शोक वन थी तो वो अस चंगे नमूने ऐसा पव ये तमाम प्रायोरिटीज इकोनॉमिक्स जहा उ भला थी वह तो समझा तो सियासत ऑटोमेटिकली जो है घड़ी गाल घड़ी वन पर मेजर फैक्टर्स उ ठीक जहाँ सब अवे डायरेक्शन मुख्तलिफ पार्टियां मंशूर दिना इलेक्शन का अग उनमें मुआशी प्लैन्स भी उन्होंने बुधाया हाँ वक्त पार्टीज अवे के नजर अचन पुन अहम मर्कज में फ्रंट से तो उन पार्टियों जहाँ मंशूर भी अवे जरूर डिठा हूँ डायरेक्शन अवे कें भी डिठे हैं खास कर SIFC जोड़ी वही है ओवरसाइट जी कमेटी जोड़ी वही है समूर मामलों के ऐसण के लिए उन प्लैन्स मामरान उ भी वाजे थियल उनके कें पो गद हलण के हवा से उत्तर की जो कॉर्डिनेशन आिन्हीं विच में उवे कें नजर पे अचे इंदर डी में चंगी गाल समझा तो ये थे तो पर उनमें का ठगी बदमाशी न थन घुर्जे SIF जो कहे पो या पीपल्स पार्टी जो मंशूर है वो मुख्य कुछ बेहतर लगी रो है पी जाए से नवाज शरीफ जो भी है पर वो थोड़ो पुराणो ट्रेडिशनल आ कुछ नो उन मंशूर है कुछ गाल ये बेहतर है SIF के जो चंगे नमूने हल्दा तो बेहतर पार्टीज जो मंशूर अन उ रखन एक उनमें जो चंग शन उ पार्टियों गडियल तौर से अड़ो मंशूर ठाइन जो मान अस अफसोस यो आतर वरियत थी व्या असो गटर जो ढग भी ना दई सकूँ एडी ज्यादती है मानू गरीबन से मू उन किरन पाया मानू मरन पाया औरतू परन मतलब तमाम ज्यादती वाली सूरत हाल है गुर्बत तुम ऐसो था तो इन कर इन मंशूर जहा बेहतरीन जो नुकता है प्रोग्रेसिव होजन माना तरक्की के लिए तरक्की पसंद होजन उन वेहन समझा तो तदें को हल निकली अची सके तो ठीक जैसा भी आखिरी सवाल अवका यो भी तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी चौथों भेरो हैवी मैंडेट से सिंध अंदर पैं हुकूमत ठाण वे पी उन गडो गड उन्होंने यो भी ऐलान किया है तो बलुस्तान अंदर भी हुकूमत ठाण की कोशिश कंदा मजबूत पोजिशन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बलुस्तान अंदर है मर्कज में जो पोजिशन है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की सा भी तमाम घड़ी मजबूत नजर अचे पी तो हेल जो हेदे वे तादाद में पीपल्स पार्टी वो मैंडेट है या जो पीपल्स पार्टी जो मजबूत थी है चूंडन का पे उन फायद सिंध के थन्दे दिसो पाया ओपिनियन दई छी यूनिटी उन पैदा कई पीपल्स पार्टी के वोट मिलो अगे का भी तमाम घो
अन्याम जैसे पीपल्स पार्टी कम नथी करे हाने इसो ने हिंगर बिलावल साहब जो कहते हैं तकीरों कहीं बल्कि पंज इलेक्शन मुहम में मिंथू कहीं मानन के तबेली मुख्य वजीर अजम कयो मुख्य वोट दियो मां ही कंदुस कराची दी शिकल बदलाइंदुस असा संग जो कराची सिंध जो एकड़ो वडो यानी शहर आए कैपिटल आ अज का न केतन साल का तो कराची में जैसे असा पानी नथा पहुंचाए सकूं गटर लाइन नथा दे सकूं कराची की भी तरक्की नथी कर सकूं तो असा मुझे नजर में तो जो कैपिटल हों सारी दुनिया में वो असरअंदाज थो बहराड़न से सारी दुनिया में ही है असो अड़ो मुल्क आ जो कराची असो सिंध के अना कुछ न पी दे हालांकि सिंध जो कैपिटल आ सी सिंध कंट्रीब्यूट करे थी पर अना कराची के मजबूत सी सिंध के तो बिलावल साहब के याद प्यारो जरूर कें दौर में अगे हली तोरो वायदा कया हा उ पूरा अना पीपल्स पार्टी नथी करे सके तो असके अफसोस ही रो अस प्रोग्राम में यो समझन या अपील तो बाबा करे सी सिंध के को फायदो दियो जो सजे पाकिस्तान के पर सिंध लाइ जी तुम कुछ न कौ रोड टुटा पा शहर जहराड़ियों की हालत ऐसो गटर लाइनू की स्कूल बंद पा अस्पताल कान्ने का वी वी अस्पताल कराची में इतने उत पीपल्स पार्टी गवर्नमेंट कुछ कम उनका सवाल जो है असठन में जो है सो कुछ को ये सूरत हाल है इन कर यो जरूर करण घुर्जे अस अपीलू कसूँ मां तो सोचो वेठो आया इंशाला अड़ी मुलाकात करें अड़ो प्लान सिंध जहाँ मू चाहन जो तरक्की पसंद प्रोग्रेसिव दानिश्वर पढ़ल लिखल मू अ अचन इन जोर बार कजे तो ही तक कम करो पवन ठीक है एजाज साहब वही महरबानी वहाँ जी नाजी एजाज कुरैशी साहब जो तजियो बुधो वहाँ से समूरी ओवरऑल सूरत हाल डेवलप थी है उन हवाले से नाजिन गुफ्तगू वहाँ उन्होंने बुधी एक मुख्तसिर ब्रेक था वठाऊँ ब्रेक का पोए प्रोग्राम के गुफ्तगू जो जो सिलसिलो है तक जोड़ींदा से वेलकम बैक नाजिन एक बीहर वहाँ के प्रोग्राम में भलीकार हाँ जी नाजिन मौजूदा सूरत हाल है उन गुफ्तगू कंदे मुझा घर मौजूद हैं अगोड़ा सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन कंवर दिलशाद साहब आई पंजाब की जी निगरा कैबिनेट है उनमें भी उन्होंने तमाम सुनो कॉन्ट्रीब्यूशन रो है कंवर साहब असलाम वालेकुम कंवर साहब वेलकम करती हूँ आपको इस प्रोग्राम के इस हिस्से में और ये सारी सूरत हाल है आपके सामने एक तरफ से वो पार्टियाँ हैं जो ये कह रही हैं कि मुल्क के मफाद को सामने रखते हुए हम आगे बढ़ रहे हैं एक साथ बैठ रहे हैं और दूसरी तरफ वो पार्टियां हैं जो रस्तों पर आने के लिए बिल्कुल तैयार हैं आप कैसे देख रहे हैं कुछ दिन हमने देखा कि नतायज के हवाले से मामला कुछ हमें देर से होते हुए दिखाई दिए अब बहरहाल हुकूमत के खदोखाल वाजे होना शुरू हो गए हैं आपको क्या लगता है जो आइनी एक टाइम फ्रेम होता है इन सारे मामला के लिए उसी हिसाब से ये मामला चल रहे हैं या आप समझते हैं कि इनको स्पीडअप करने की जरूरत है इस वक्त दरअसल हमारे जो इंतखाबी जो इस्तेलाहात हैं या इंतखाबात जो होते रहते हैं उसमें इसी तरह का रिजल्ट आता है ये हमारी रवायत रही है ये 1980 से लेकर 1990 से लेकर 1988 से लेकर आज तक तो हमेशा सेपरेटरी अपना रहा है अपना इंतखाबी रिजल्ट तो आप ये चाहिए कि इस वक्त हमारी जो सबसे बड़ी आला जो हमारी इस्टेब्लिशमेंट है उन पर यह फर्ज ऐद होता है कि इन सबको जितने भी इनका अपना मैंडेट लेकर आए हैं ख्वाहिश में तहरीक इंसाफ के हमायत याफ्ता आजाद रुकन है उन सबको आप एक टेबल पर एक ग्रैंड मजाकरात करें ग्रैंड मजाकरात करें और उसके लिए रास्ता कौमी असम्बली का भी हो सकता है और या जहां भी इनका इनकी नशिस्त हो वो बैठ जाए और मेरा ख्याल है तहरीक इंसाफ के जो हमायत याफ्ता अराकीन जो असेंबली में आए हैं उनके अंदर लचक है उनके अंदर वो इंतहा पसंदी की बात खत्म हो गई है उनको वो चाहते हैं कि रास्ता मिल जाए तक हम बातचीत के लिए आगे बढ़ाएं तो बातचीत है उन्होंने उनके जो अपोनेंट जमाते हैं उनके साथ उन्होंने मुलाकातें नहीं करनी लेकिन मुल्क के वसी तर अफाद में जो हमारी मुकदर हल्के हैं उनको चाहिए कि मुज़ाकरात का बंदोबस्त करें और वो बकायदा मुज़ाकरात करवा के सबको राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में लाकर एक लाहे अमल तैयार करके आइंदा की हुकूमत का लाहे अमल तैयार कर लें और इस तरह एक और बड़ी अहम बात यह है कि जो एक दूसरे के खिलाफ आप बयानबाजी बंद करें और अपने तरीके के मुताबिक चले अगर ये ना चले तो यकीन जानिए कि ठीक है अभी तो ये अपने हुकूमत में आने के इकदार में आने के लिए चलागा कर रहे हैं आतिशबाजी भी कर रहे हैं
लेकिन ये ज्यादा से ज्यादा बजट तक चलेगी असेंबली, और बजट के बाद जो है वो दोबारा फिर तहरीकी अदम एतमाद आएगी और फिर ये सारे फारिग हो जाएंगे। तो ये सब चीजों को महसूस होना चाहिए इनको, क्या इस ठीक है कि प्रेजिडेंट के लिए असफर जरदारी बेहतरीन पाकिस्तान के सियासतदान हैं, मुदब्बर सियासतदान हैं, लेकिन वो मुल्क को देखते हैं, वो रियासत को देखते हैं, इसलिए मैं हमेशा उनकी सियासत रियासत के गर्द घूमती रही है। तो इसलिए हम चाहते हैं कि सारे ये बैठ जाए, अगर ये ना बैठे अब तो तहरीक इंसाफ के हमायत याफ्ता अरकान की बहुत बड़ी तादाद है, हुकूमत में तो वो नहीं आ सकते, वफाक में या पंजाब में हुकूमत बनने की तो अहलियत नहीं है, अहलियत तो है लेकिन तादाद नहीं है उनके पास, ये सब सियासी नारे हैं। इसलिए हम इसी तरह आप देख रहे पंजाब में तो एक मरियम नवाज को तो वजीर आला पंजाब जो है वो एक किस्म का गैर सरकारी तौर पर तो तस्लीम कर लिया गया है, आईजी पंजाब उनको जाके सल्यूट कर रहा है, और इसी तरह पंजाब के चीफ सेक्रेटरी जाके पूरे पंजाब की ब्रीफिंग दे रहे हैं। तो सिर्फ एक रस्मी कार्रवाई रह गई ना मरियम नवाज को जो हल्फ उठाने तक, हाँ हकीकत तो सबने आ गई है, तो वजीर आला का जो उनका एक किस्म का तस्लीम कर लिया गया है कि वो पंजाब की वजीर आला है, जब भी पंजाब की ब्यूरोक्रेसी वहां जा रही है, इसलिए इनको भी चाहिए तहरीक इंसाफ को भी, इनका कोई जो है ना पंजाब में हुकूमत बनाने के इनके पास मेजॉरिटी है ये, और ना ही वफाक में है, ये सिर्फ अलामती अहदे इन्होंने खड़े किए हुए हैं, उसी अलामती अहदों पर इन्हें अपने बंदे नामजद किए हुए हैं, लेकिन इसका हल यही है कि बैठ कर फैसला करें। ये बहुत बड़ी तादाद में है, अपोजिशन करेंगे, मुखालफत करेंगे, कोई बिल पास नहीं होने देंगे, कोई कानून साजी नहीं पास होने देंगे, और यहाँ तक कि नजर आ रहा है कि शायद बजट पे भी शदीद अपना तहफात का इजहार करें, अच्छी खासी तादाद है, मीडिया भी इनका इनकी तमाम बातों को उजागर करेगा, तो बेहतर यह है कि एक ग्रैंड हुकूमत बन जाए, नेशनल गवर्नमेंट बन जाए और सबको साथ लेकर चले और 5 साल पूरे करें। ठीक है, कौर साहब आपने कहा कि हल यही है कि एक ग्रैंड नेशनल गवर्नमेंट बन जाए और फिर ये सारे लोग साथ बैठ जाएं, लेकिन अब सर मामला ये है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, आपने दुरुस्त फरमाया कि उनकी जो बड़ी तादाद है वो बहरहाल ये दावा कर रहे हैं कि हमने 180 नशस्तें अपनी पूरी कर ली हैं, वो ये दावा कर रहे हैं। आज वजारत उस्मा का उम्मीदवार भी नामजद कर दिया गया है पीटीआई की जानिब से, और पीटीआई ने यह भी ऐलान किया है कि इस हफ्ते को वो एहतजाज भी शुरू कर रहे हैं कि वो बाहर भी होंगे, रोडों पर भी होंगे, रस्तों पर भी होंगे, और वो कह रहे हैं कि अंदर भी बैठकर जब तक हमें अपना मैंडेट वापस नहीं मिल जाता हम शदीद मजबूत एक ऑपोजिशन का रोल प्ले करेंगे। और इसके अलावा भी आपके इल्म में ज़रूर होगा GDA है, JUI है, ANP है, और ये सारी पार्टियाँ जमायत इस्लामी है, ये भी एहतजाज का ऐलान कर चुकी हैं और बिल्कुल तैयार हैं रस्तों पर आने के लिए। तो आपका भी बड़ा माशाल्लाह वसी तजुर्बा है, आपने देखा है, आपने बिल्कुल दुरुस्त कहा कि रिवायत तो यही रही है कि हर इलेक्शन के बाद हम ये मनाजिर देखते हैं। आप नहीं समझते कि ये कुछ नया है इस बार के पूरे मुल्क से आवाज़ें उठ रही हैं, कोई एक सूबा कोई एक हिस्सा ऐसा नहीं है इस वक्त जहाँ पर एहतजाज और ये धांधली का शोर ना हो? इसके लिए चाहिए इलेक्शन के पाकिस्तान को, हमने तजवीज दी है, इलेक्शन के पाकिस्तान को भी चाहिए कि एक उसके बारे में जितने भी फैसले आ रहे हैं जो फॉर्म 45 और 47 की जो आपस में चल रही है, ये आपस में मुताबकत नहीं रखते, इनके बारे में जल्द फैसला करें विद इन 3 डेज। ये फोर तौर उनके पास अगर फॉर्म 45 है वो जायज है, जेन्युइन है, कोई फोटोशॉप नहीं है या उनको जाली नहीं है या फेक नहीं है, उसके लिए बाकायदा इलेक्शन पाकिस्तान के पास तो सारी अपनी मौजूद है मशीनरी, वो तो चेक कर लें फॉर्म 45 और 47 में चेक कर लें, अगर रिटर्निंग ऑफिसर ने अगर टेम्परिंग की है फॉर्म 45 के मुकाबले में या उसे मुताबकत नहीं रखता तो फिर रिटर्निंग ऑफिसर के खिलाफ शो का नोटिस जारी करें और उसको जनाब सस्पेंड करें ताकि अवाम मुतमिन हो जाएगी कि इलेक्शन के पाकिस्तान ने एक्शन लेना शुरू कर दिया है। तो अगर ये 15-20-25 हलकों के बारे में कोई रिजल्ट तब्दील हो जाता है, ज्यादा नहीं है, ये जो 80 की बात कर रहे हैं ये नहीं है, नामुमकिन बात है, 80 के करीब नहीं होता, इतना बड़ी टेम्परिंग नहीं होती, ये 15-20-25 तक ज्यादा महदूद होती है। ये तमाम फैसले इलेक्शन कमीशन 3 दिन में कर ले और हाईकोर्ट, इस्लामाबाद हाईकोर्ट, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान सब केस रेफरेंस भिजवा रही है इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान को, तो ये उनको पीछे पीछे खड़ी है सुप्रीम कोर्ट भी हाईकोर्ट भी, तो इलेक्शन पाकिस्तान को चाहिए कि ये फौरी तौर फैसला करें और ज्यादा नहीं आइए, 15-20 ज्यादा नहीं है। तो ये जो दावा जो कर रहे हैं जी हमारे 80 वापस कर रहे हैं सारे, जब ये बातें सिर्फ मैं मीडिया में लाने की बातें हैं, इतनी बड़े लेवल पर कभी टेंपरिंग नहीं होती, कभी धांधली नहीं होती, ज्यादा से ज्यादा 10-15 सीटों पर होती है, तो वो भी इंडिविजुअल करते हैं लोग,
अपने इंफरादी कोशिशों से पैसा खर्च करके असर रसूख खर्च करके वो करते हैं, ज्यादा नहीं होती है। मेरा अपना तजर्बा यही है, ये 15-20 से ज्यादा रजिस्टर पर टेम्परिंग होने के इम्कान नहीं है, इस पर इलेक्शन फॉर एक्शन ले रहे। ठीक कंवर साहब, इसकी भी थोड़ी वजाहत फरमा दीजिएगा कि आप जो जो मुख्तलिफ पार्टियां एहतजाज कर रही हैं वो ये कह रही हैं कि इस वक्त क्योंकि सादी अक्सरियत किसी के पास नहीं है, तो ये जो नंबर बनाकर जो हुकूमत साजी की तैयारियां हो रही हैं, मुस्लिम लीग नून, पीपल्स पार्टी, MQM, गो के पीपल्स पार्टी ने कहा है कि वो सपोर्ट करेंगे लेकिन हिस्सा नहीं बनेंगे गवर्नमेंट का, तो उसके लिए एहतजाज करने वाली पार्टियों का ये मौकफ है कि हम GDA वाले ये कह रहे हैं कि 16-17 दरख्वास्तें हम देने का इरादा रखते हैं, PTI वाले ये कह रहे हैं, दावा कर रहे हैं कि 30 दरख्वास्तें हम डाल चुके हैं इलेक्शन के अगेंस्ट मुख्तलिफ हिस्सों की, इसी तरह से जो बाकी पार्टियां हैं वो भी ये कह रही हैं कि हम भी कानूनी तौर पर आगे बढ़ने का इरादा रखते हैं, और वो ये भी एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि इन सारे मामलों का अगर इनमें से 50% सीट्स का भी नतीजा उनके हक में चला जाता है तो वो ये या स्टे आ जाता है, तो उस सूरत में वो कह रहे हैं ये जो इस वक्त अक्सरियत शो कर रहे हैं जैसे तैसे करके नंबर पूरे किए गए, ये अक्सरियत में आ जाएंगी ये पार्टियाँ, ऐसी कोई सूरत हाल, कोई सिनेरियो बनते हुए आप देख रहे हैं, कोई हो सकता है ऐसा, कोई इम्कान मौजूद है? एहतजाज तो हमेशा होता रहा है और इमरान खान साहब ने भी 2013 के इलेक्शन पर भी बहुत तवील तरीन एहतजाज किया था, देखकर उसका नतीजा कुछ भी नहीं निकला। तो अब ये एहतजाज है, ये चंद दिनों के बाद ये एहतजाज खत्म हो जाएगा, ये गर्मा गर्मी खत्म हो जाएगी, लेकिन इसलिए लेकर आसूरी तौर पर इलेक्शन पाकिस्तान को चाहिए, अभी उनके पास इख्तियार हैं इलेक्शन एक्ट का सेक्शन 9 के तहत, उनके पास मुकम्मल इख्तियार है कि वो जिस हलके में चाहें दोबारा उसकी रिकाउंटिंग कर लें, काउंट चेक कर लें, ये सारे इख्तियार उनके पास मौजूद हैं। तो इलेक्शन के पाकिस्तान को चाहिए कि इलेक्शन एक्ट की सेक्शन 9 के तहत कार्रवाई करें, चेक करें, और जहां जहां रिजल्ट में टेम्परिंग हुई है उस रिजल्ट को आप तब्दील भी कर सकते हैं, जिसके पास फॉर्म 45 का मवाद मौजूद है, सबूत मौजूद है, उसके लिए असर नो नजर सानी भी हो सकती है। तो ये सारे मामला अभी इलेक्शन के पाकिस्तान के हाथ में है, 45 फार्म 47 फार्म इसको देख लें, चेक कर लें, उसके बाद उनकी तसल्ली कर दें, जब आप उनको तसल्ली कर देंगे सबको चेकिंग हो जाएगी तो ये इत्मीनान से तमाम जो और एहतजाज हैं ये खत्म हो जाएंगे। लेकिन इलेक्शन के पाकिस्तान को फौरी तौर पर राउंड दी क्लाक ये विद इन 3 या 4 या 5 दिन के अंदर अंदर ये फैसला कर लेना चाहिए। अगर अदालतों में केस गया तो फिर कानून के मुताबिक, आइन के मुताबिक असेंबलियों के इजलास नहीं हो सकेंगे, इसलिए लिहाजा अदालतों में केस चल रहा है तो आइन और कानून के मुताबिक तो कौमी असेंबली का इजलास 29 फरवरी को होना चाहिए, लेकिन अगर ये अदालतों में केस चला गया तो डेट आगे चली जाएगी। इस तरह सूबाई असेंबलियों के जो है वो भी 21 दिन के अंदर अंदर तलब करने का गवर्नर जो है वो तलब करते हैं, तो अगर इस तरह मामला हुआ तो ये डेटे आगे चल जाएगी, इससे मामला बिगड़ जाएगा। तो बेहतर ये है कि सेनेट का इलेक्शन होना है। अब हमारी इतला के मुताबिक इन हालात को देखते हुए सेनेट का इलेक्शन 5-7 मार्च को होना था, अब हमारी इतला के मुताबिक ये भी 2 हफ्ते आगे जा रहा है, यानी इसको भी डेफर कर दिया गया है, ताखिर का शिकार कर दिया गया है। जब सेनेट का इलेक्शन ताखिर का हो जाएगा तो प्रेजिडेंट ऑफ पाकिस्तान का इलेक्शन भी ताखिर का निशाना हो जाएगा, तो ये सारे ताखिरी में चले जाएंगे। बेहतर यह है कि जल्दी जो है ये 21 दिन के अंदर अंदर ये सारे अपने फैसले कर लें। ठीक, और कौर साहब अभी आप देख रहे हैं क्योंकि इलेक्शन कमीशन के बयान तो मुसलसल वहां से आ रहे हैं, लेकिन ये कहा जा रहा है पार्टीज को, ये कहा जा रहा है कि वो सबूत लेकर आए और इन मामला के हवाले से, तो आपने जैसे कहा कि टाइम बड़ा कम है और फिर सारे मामला को सामने रखते हुए इलेक्शन कमीशन के पास अभी तक उनके बॉल, उनके कोर्ट में बॉल मौजूद है, उनको बड़े अहम फैसले लेने होंगे, तो आपको नजर आ रहा है इस वक्त इलेक्शन कमीशन का मूड? मुझे तो बड़ी हैरानगी हो रही है कि वो सबूत तो लेके आ रहे हैं, फॉर्म 45 का अगर एक पोलिंग एक हलके में पोलिंग स्टेशन होते हैं 300, 250, 300, उनके पास अगर 250-300 फॉर्म मौजूद हैं तो फिर उसके साथ अगर उससे रिटर्निंग ऑफिसर ने फॉर्म 47 में टेम्परिंग कितना मालूम हो जाएगा, कमेटी बनाए 10 ऑफिसरों पर अलग-अलग कमेटी बना दे, हर सूबे के लिए अलग-अलग कमेटी बना दे, तो उसमें देर किस बात का, सबूत किस बात का, टाइम किस बात का जाया कर रहे हैं, डलाई किस बात का कर रहे हैं, रिमार्क किस बात का दे रहे हैं? जुल्फकार अली भुट्टो साहब का जो 7 मार्च को इलेक्शन हुआ था 77 में, तो पूरे मुल्क में तहरीक चल गई थी, तो जुल्फकार अली भुट्टो साहब थे प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान, उन्होंने इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को ऑर्डिनेंस के जरिए इख्तियार दिए थे कि आप समरी इंक्वायरी कर लें और जितनी चाहे कौमी असेंबली की सीटें जो है आप काजम करार दे दें, मुझे कोई इतराज नहीं होगा। तो
तो उस वक्त के चीफ इलेक्शन कमिश्नर सज्जाद अहमद जान ने, तो मैं मेरी नई नई पोस्टिंग हुई थी, मैं वजारत इत्तला तो नशरियात से मैं डेपुटेशन पर पहली दफा में गया था इलेक्शन के पाकिस्तान में, इसके बाद हम वहीं एडजस्ट हो गए उनके। लेकिन बात यह हुआ कि हमारी मौजूदगी में उस वक्त के चीफ इलेक्शन कमिश्नर सज्जाद अहमद जान ने 15 कौमी असम्बली की नशस्तों को 48 घंटों में कर्दम करार दे दिया था, 48 घंटों में, ताकि हालात ठीक हो रहे। भुट्टो साहब जैसे अप्रिशिएट किया कि आपको मैं मुकम्मल इख्तियार देता हूं, अगर मेरे हलके में भी कोई गड़बड़े तो मेरे हलके से भी आप उस सीट को कर्दम करार दे दें। तो 15 हलकों में उन्होंने कर्दम करार दे दिए थे 48 घंटों में, और उसमें बहुत सारे कार्ड मैंने भी पेश किया था जब मैं उस इलाके का इलेक्शन कमीशन था। तो ये सारे मामला अब हमें नजर नहीं आ रहा कि ये किस बात के सबूत मांग रहे हैं। मैंने कल रात डॉन अखबार को इंटरव्यू दिया, मैंने कहा चीफ इलेक्शन कमिश्नर सज्जाद अहमद जान का फैसला अभी तक मौजूद है इलेक्शन कमीशन के रिकॉर्ड में, फाइलों में मौजूद है, आप पढ़े फैसला देखें कि उन्होंने 48 घंटों में 15 नशिस्तों को कर्दम करार दे दिया था। ठीक है, वो एक बैन अवी साजिश थी, भुट्टो साहब साजिश दिन में बच सके और वो तारीख चलती रही, और इसके बावजूद भी उस वक्त की अपोजिशन ने वो 15 सीटों की कर्दम करार देने के बावजूद भी तहरीक खत्म नहीं की और भुट्टो साहब से इस्तीफा मांग लिया, इसकी वजह से बात आगे तक चलेगी बिल्कुल मार्शल लग गया। तो ये सारी सूरत बात की बात, यहाँ तो सारी 15-20 सीटों का मामला है, इसका हल करे 24 घंटे के अंदर हल करने में क्या तकलीफ हो रही है। ठीक, एक आखिरी सवाल कंवर साहब के, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ये दावा कर रही है कि 180 नशस्तें उनके पास हैं, मजलिस वहदतुल मुस्लिमीन के साथ वो जा भी रहे हैं, और ये भी कह रहे हैं साथ साथ के बाकी किसी और पार्टी के साथ उनका इत्तेहाद का कोई इम्कान नहीं है। आप क्या देखते हैं रिजर्व सीटों के साथ इतनी अक्सरियत या इतनी नशस्तें आप देख रहे हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बनते हुए? नहीं, मुझे इस पर नजर नहीं आ रहा। नहीं, एक ये तो मजाक खेज बात है, 180 सीट यानी कौमी असम्बली की जो 266 सीटें उसमें आपने 180 ले ली, ये बात जो है तस्लीम करने वाली या मानने वाली नहीं है, ये मजा का खेज बात है। ज्यादा इन्होंने देखो, इन्होंने बड़ी हिम्मत की है, जो इसमें आजाद मेंबर खड़े हुए थे उसमें बाकी वो नाराज भी थे, जो जिन सियासी पार्टियों को टिकट नहीं मिला था तो वो भी इसमें आजाद की हसीयत से खड़े हो गए, इलेक्ट हो गए। तो जब असली जब प्योर जमात जो निकली है उसके अंदर से वो कोई 85 के करीब है, जो इस वक्त कौमी असम्बली के मेंबर हैं तहरीक इंसाफ के, हमें किया था उसमें भी 2-4 बड़े बड़े इनके हार्ड लाइनर थे, वो भी आज चले गए मुस्लिम लीग के साथ, हराम थे बड़े बड़े लोग थे वो सब वापस चले गए, आप अपनी जमातें चेंज कर ली, तब्दील कर ली। तो 85 से 90 तक ज्यादा तादाद थी नहीं, 180 कैसे हो सकती है जी? ये तो बात ही नहीं, तस्लीम ही करने वाली बात नहीं है कि 180 होती। ठीक है कि हम मानते हैं कि हम आप इस चीज का नजर आ रहा है कि 15-20-25 सीटों पर लाजमी बात है कि कोई टेम्परिंग हुई होगी, क्योंकि हर जगह आदमी इंडिविजुअल जो है बड़े जो उस इलाके के जो बड़े अब्बा असर रसूख लोग होते हैं वो अपने प्रिजाइडिंग ऑफिसरों से रिटर्निंग ऑफिसरों से जो हमारी इंतजामिया ब्यूरोक्रेसी से मिल मिलाकर उनको आइंदा चकमे देकर ख्वाब दिखाकर तरक्की का करवाने पर उनको टेम्परिंग करवाने में लिए रागब करते हैं। हर सियासी पार्टी के जो रहनमा होते हैं रागब करने की कोशिश करते हैं, उसमें ज्यादा 15-20 ज्यादा नहीं है, इसे 180 होने की बात तो मैं तो मेरे लिए तो मजा खेज बात है, 180 कैसे हो सकते हैं? ठीक, कोई लॉजिक आपको इसमें नजर नहीं आती। ठीक कंवर साहब, बहुत शुक्रिया आपने वक्त दिया के टी न्यूज़ को और ख़ास करके इस प्रोग्राम के हिस्से में। बहुत नाजन जी के अहम कुछ मामला हुआ इलेक्शन के वठी कर इलेक्शन का पोए जी का सूरत हाल जुड़ी आ है, हाँ ज़ाहिर है टाइम फ्रेम है आइनी लिहाज का, उन टाइम फ्रेम तहत ही समूरा मामला अग्न बढ़ना है। जो कंवर साहब जिक्र किया तो जो सेनेट जो इलेक्शन थियण है अना उन अग ये जहाँ हुकूमती जोड़ जख है उनके मुकम्मल थियो उन इलेक्शन सेनेट वाली इलेक्शन थियणी, पर हाँ जड़े तरीके से या जी अस ये चूं तो जड़ी स्पीड से ही मामला अगर बदन पे नजर अचे पो फोर्स ही कन पाया एक्सपर्ट्स तो हि मामला अना डिले सन था जो असर इलेक्शन से पवन, इलेक्शन भी सेनेट वाली डिले सके थी, इन कर वक्त जहाँ उन्होंने गाल कई तो ग्रैंड जो डायलॉग आ वो वक्त की जरूरत है, गदो गद इलेक्शन कमीशन के इफेक्टिव असरायतो रोल प्ले कर जरूरत है। नाजरीन गुफ्तगू में अवा इजाजत वे फीडबैक असर जरूर आगाह कर जल्द मुलाकात थी, तेस इजाजत अल्लाह हाफिज़।